स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये बेटा आपका कन्वेक्स है, आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और आपने एक बार जाना है रेयर टू डेंसर, और फिर जाएंगे हम डेंसर टू रेयर। तो सबसे पहले रेयर टू डेंसर है। बच्चों आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जिसकी तरफ जो रेयर होता है वो ही सरफेस होता है, ये वाला कन्वेक्स है। यदि ये रेयर की तरफ है तो वो रेयर, मतलब कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यदि ये रेयर की तरफ हो गया तो ये बन गया कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स कौन सा होता है? एक बच्चा कहेगा जी जैसे बेटा मैंने ये रहा, ये कौन सा है, ये वाला सरफेस कौन सा है? इसका कन्वेक्स है। किसकी तरफ है? रेयर की तरफ। लेकिन जाना कहां से हमें? रेयर टू। हम उल्टा थोड़ी चलेंगे, हमें यहां से जाना, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो उसके लिए बेटा इसको उल्टा कर दो डायग्राम को, समझ गए ना मेरी बात? तो आपने जो डायग्राम बनाना बेटा, इसमें वो क्या बनाना है ये देखिए बेटा प्लीज। तो ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना, लेट अस कंसीडर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये ले लिया आपने बेटा, और ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा? म्यू जी, क्योंकि ग्लास है, ग्लास के लिए तो, क्योंकि इधर तो ग्लास होगा बेटा। और ये कौन सी एक्सिस है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सरफेस हो गया एक्स पी वाई। ये कौन सा है? रेयर मीडियम है, दैट इज द ए, म्यू ए, एयर है, सो म्यू ए, दैट इज द ग्लास। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ इसमें, क्या करना? देखो एक टॉपिक ध्यान, समझ लो सारे टॉपिक आ जाएंगे। हमें जाना बेटा रेयर टू डेंसर, क्योंकि ये वाला क्या बेटा आपका, ये वाला सारा ही सारा क्या डेंसर है, क्या ये डेंसर, ये वाला डेंसर। ये बात मैंने पहले बता रखी कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल तो मापने हैं, पोल तो राइट प्लस है, पोल तो लेफ्ट माइनस है। क्या हुआ देखो बड़े ध्यान बेटा, एक ऑब्जेक्ट यहां है, यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा सभी बच्चों को पता है कितना होता है, यू, कितना होता है बेटा यू, यू फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर इमेज, वी इमेज के लिए बेटा यू ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो अजम्पशंस हैं, जो इसकी अजम्पशंस है बेटा, जो अजम्पशंस है बेटा, अजम्पशन नंबर एक कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट should be a point, object should be a point, और I think मैंने ये ना लिख रखे, ये ना जो कल वाले टॉपिक में होता है, ये ना assumptions, the object should be point, aperture small, बेटा aperture का मतलब क्या होता है, real life में पता होना चाहिए, ये ज्यादा है, aperture ज्यादा हो गया, aperture क्यों होना चाहिए, small, ऐसे, समझ गए, curvature कम होगा तो aperture क्या है, कम है, समझ गए मेरी बात। अब अगला कहता है ये angle क्यों होना चाहिए, small, तो ये सारे मैंने sign convention, ये वाले साइन कन्वेंशन बताए हैं, सारे डिस्टेंस का तो मापोगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, पोल से राइट प्लस, पोल से लेफ्ट माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ये सारे हमने साइन कन्वेंशन कर रखे बेटा। यहां पर हम आगे कर रहे हैं, ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, हाँ इसमें एक बार मैं ये रफ कर देता हूं ताकि ये वाला मैंने लिख रखा बेटा, तो ये जो है इसको स्किप करके आगे आता है। ऑब्जेक्ट यहां है, एक मिनट यहां देखो बेटा, एक मिनट ध्यान यहां देखो, फिर कर लेना, समझ में आ जाएगा अपने आप कर लेना घर पे। लाइट यहां था चली ओ से, और ओ तो चली बेटा वो नॉर्मल गई, ओ से लाइट ने स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल नॉर्मल एट पॉइंट पी, और जब नॉर्मल तक पड़ती है तो आई की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू भी जीरो, इट मीन वो क्या जगह स्ट्रेट सीधी निकलेगी। ठीक है बेटा, दूसरी लाइट है चली यहां तक, और किस पे बेटा, कोई पॉइंट है ए, कौन सा पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट, किस पे बेटा, ए पॉइंट, डायरेक्शन जरूर डालते रहना साथ के साथ भाई, ओ तो चली ए पे पड़गी, अब ये लाइट रे जाने लगी रेयर टू, किसकी तरफ मुड़ेगी, रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टू आर दी नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल का ना जाओगा बेटा, इस पॉइंट पे नॉर्मल पड़ेगा, यो बेटा कर्वेचर कहां है, कर्वेचर ऐसे है ना, तो सेंटर का बनेगा साइड बेटा, ऐसे है ना, तो सेंटर तो सर्कल का इधर ही बनेगा, तो इसका मतलब है सब हम सेंटर ले लेते बेटा, दैट इज द सी, सी इज द
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बेटा ये, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे अगर चली थी, अपने पता है रे टू डेंसर से रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल की तरफ होगी, तो बेटा नॉर्मल डाल दो इसमें, यहां से नॉर्मल बना दो बेटा, नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ही आएगा बेटा, दैट इज अ नॉर्मल के साथ इनने कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अरे बेटा लाइट इंसिडेंट लाइट रे का किसकी कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल के लो, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के लो, देखो ये कहीं बेटा रे टू डेंसर इस पॉइंट बेटा यहां इन एंगल बना दिया आई, नॉर्मल के साथ ही बनता है एंगल, तो किसके साथ बनता है बेटा, नॉर्मल के साथ, ठीक है जी। अब ये लाइट रे का रे टू डेंसर तो किसकी तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, इसकी तरफ झुक जाएगी, सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ झुकेगी, इट मीन दैट लाइट रे जब ये सीधी जाने की बजाय बेटा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो दैट विल मीट इस लाइट रे को इस पॉइंट पे मीट करेगी, दो लाइट रे मिलगी असली में मिलगी, तो इमेज क्या बन गई, रियल, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इमेज, किसका पॉइंट है बेटा ये, इमेज का, किसका बेटा, इमेज, दैट इज द इमेज, ऑब्जेक्ट यहां रखा और मैंने बोला था बेटा इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना होता बेटा v, कितना होता बेटा v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर p तक लेकर c तक क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल r, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और बेटा अब सुनो ध्यान से, लाइट रे गई थी रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो एंगल किसकी कितना बनागी, नॉर्मल, ये रे नॉर्मल, तो यह लाइट रे बेटा ए या वाली गई थी, इसने एंगल बनाया किसके साथ बेटा, नॉर्मल के साथ, कौन सा एंगल है, एंगल और रिफ्रैक्टेड है, तो देखो यह इंसिडेंट है, इंसिडेंट नॉर्मल के लो, अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ बन रहा है, ठीक है बेटा। अब बड़े ध्यान से देखो आप, जहां से लाइट रे निकली वहां तो बनाना अपना एंगल अल्फा, बड़े ध्यान था बेटा, क्या बनाओगे एंगल अल्फा, भाई याद होना चाहिए अल्फा बनेगा ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा ही अल्फा ऑब्जेक्ट, इमेज के साथ बेटा एंगल बनाना बीटा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और बेटा इसके साथ एंगल बनाना गामा, क्या बनाओगे गामा, तो बेटा आपने साइन कन्वेंशन से याद रखा, कई बच्चे आर ऐसा डाला जैसे गामा हुआ है, और आर ही अंकल जो है आर किसके लिए है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां से क्या डाल दो एक परपेंडिकुलर, क्या डाल दो एक परपेंडिकुलर, क्या ए एफ, क्या डाल दिया बेटा ए एफ, क्या ड्रा किया आपने, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर किसके बाद ऊपर बेटा, पीसी या ओसी, ओसी के ऊपर बेटा, अरे पीसी या ओसी किसी के ऊपर, ठीक है बेटा, आगे से नहीं आना, अल्फा किसकी कर लो ऑब्जेक्ट इमेज, बीटा और नॉर्मल के साथ गामा, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ कहां लगाओगे, पता ही है कहां लगा रहे, इंटरफेस पर जाओ, लाइट रे दूसरे मीडियम में जानते हो तो कौन सा है वो ए पॉइंट, तो क्या लगाओगे, यूजिंग क्या लिखोगे बेटा, यूजिंग स्नेल्स लॉ, कहां बेटा एट पॉइंट, अरे बेटा थ्योरी नहीं अपने पता, डायग्राम बना गया तो क्या लिया आपने, एक सरफेस है, कैसा सरफेस है ये, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कौन सा, एक्स पी वाई, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, एट ए डिस्टेंस यू, ए लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम ओ, फॉल नॉर्मल, जब नॉर्मल होगी तो पास स्ट्रेट, सेकेंड लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम ओ, इंसिडेंट एट पॉइंट ए, नाउ इट गोज फ्रॉम रे टू डेंसर, तो क्या होगा बेटा, इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, सो मीट एट ए पॉइंट आई विच गिव द इमेज, बस। अब चलते आगे मैथमेटिकल, बेटा स्नेल्स लॉ लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगाओ ए पे, के क्या करे स्नेल्स लॉ, क्या बोलता बेटा, अरे भाई कितना है ए, म्यू ए, बेटा यू कैन से दैट इज म्यू वन, ये क्या बेटा आपका, दैट इज म्यू टू, क्या बेटा ये डेंसर के लिए ट्रू होता है, तो क्या होगा म्यू वन इंटू, अरे क्या लिखोगे, म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर, इक्वेशन नंबर वन, बस। अरे साइन कन्वेंशन में खेली खेला था मैंने, बताना
क्या लिखा था? साइन कन्वेंशन कान एंगल्स और स्मॉल, जब एंगल स्मॉल होंगे तो बेटा लाइफ में याद रखना, कभी भी ये बात आती है ना एंगल कभी स्मॉल हो साइन और साइन 0.5 डिग्री तो ये क्या बन जाता है, ये बदल जाता 0.5 डिग्री, कितना सिर्फ 0.5 डिग्री साइन खत्म हो जाएगा, मतलब साइन थीटा क्या जगह थीटा, समझ गए, जब एंगल स्मॉल है तो आगे चलना इसमें क्या बनेगा फिर, अरे भाई म्यू वन इन टू साइन खत्म हो क्या रहेगा आई बराबर है बेटा म्यू टेन टू आर, इक्वेशन नंबर दो आया। अब बड़े ध्यान से देखो, आप सभी ने ना मैथ में एक रूल पढ़ रखा, किसी ट्रायंगल के अंदर के दो कोणों का जोड़ बाहर के कोण के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, तो बच्चों ट्रायंगल कौन सी लेनी है, मैं याद रखना ट्रायंगल वो लेनी है, एक बार तो इमेज बना लो एक बार ऑब्जेक्ट, अरे इमेज और ऑब्जेक्ट का कौन कौन सेपरेट कर रहा है बताना मुझे, इमेज और ऑब्जेक्ट का कौन सेपरेट करता है, नॉर्मल कौन करता है बेटा नॉर्मल, तो इसका मतलब एक बार तो नॉर्मल से लेफ्ट और एक बार नॉर्मल से राइट, नॉर्मल से लेफ्ट कौन है यार ए ओ सी, कौन सी ट्रायंगल ली फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी बेटा ए ओ सी, क्या बोले भाई ए ओ सी ट्रायंगल में कौन कौन से कोण है, अल्फा प्लस गामा बराबर आई, अरे भाई आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर आया अल्फा प्लस गामा, हो गया भाई, और कौन सी ट्रायंगल है ए सी आई या ए आई सी कुछ ही ले लो बेटा, ट्रायंगल कौन सी है ए आई सी बेटा बताना, आर प्लस ना सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर आर प्लस बीटा बराबर आर प्लस बीटा बराबर बेटा गामा, ठीक है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं आर भी ऐसा ही और गामा भी ऐसा ही, तो मैं प्रॉब्लम कर लेंगे अपने लिए, गलती कर लेंगे इसलिए चेंज कर लेना, तो यहां से क्या निकालना आपने आर, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा गामा माइनस बीटा, सो इक्वेशन ये वाली बेटा सेकंड इक्वेशन सेकंड बिकम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, देखो क्या रहा है म्यू वन इंटू, अरे बेटा क्या लिखा क्या म्यू वन इंटू आई, आई की जगह क्या हो जाएगा आई की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस गामा बराबर बेटा म्यू टू इंटू क्या लिख रखा आर, आर की वैल्यू क्या बेटा गामा माइनस, ठीक है भाई आगे, अब क्या लोगे टेंजेंट क्या ले लोगे टेंजेंट, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्योंकि जब हमने कह रहे स्मॉल है साइन ने खत्म कर दिया साइन आई बन गया, एंगल स्मॉल है तो हम उल्टा भी तो ले सके, जब साइन आई ना आई में ले सके तो आई ना साइन आई में ले सकते, लेकिन बेटा ये ना किसमें लेंगे टेंजेंट में, किसमें लेंगे टेंजेंट में, तो क्या लेना आपने क्या लेंगे बेटा यहां ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा देखो म्यू वन क्या होगा अरे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा, गुड बेटा बराबर है बेटा क्या म्यू टू इंटू या टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा, ये आ गया, और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या रहे हो अल्फा का अल्फा परपेंडिकुलर तो ही रहा सबका परपेंडिकुलर तो कौन है ए एम है तो ए एम बाय ओ एम, अरे परपेंडिकुलर बाय बेस तो क्या आ गया यहां क्या आएगा ये बेटा बताना, नेक्स्ट जो आगे आएगा इस ट्रायंगल में जो हम देखेंगे क्या होगा बेटा म्यू वन इंटू क्या है बेटा ओ एन प्लस एक मिनट बेटा लो प्लस गामा, गामा कहां है ये रहा ए एम बाय एम सी ए एम बाय बराबर म्यू टू इंटू बेटा बताना एक मिनट देख लेते हैं क्या है बेटा गामा है ना गामा में क्या था ए एम बाय एम सी तो बेटा ए एम बाय एम सी माइनस माइनस बीटा है बीटा कहां बेटा ये रहा ए एम बाय एम आई तो बेटा क्या आया ए एम बाय एम आई ऊपर का क्या कॉमन आने लग गया ए एम यहां का क्या कॉमन आने लग गया ए एम का एम कैंसल क्या रहेगा
म्यू वन क्या रहेगा बेटा, वन बाय ओ एम प्लस वन बाय एम सी बराबर है म्यू टू इंटू वन बाय एम सी माइनस वन बाय एम आई, आ गया ना बेटा। ओके एक अजम्पशन बोली थी, अजम्पशन क्या थी, क्या अजम्पशन थी, अपर्चर शुड बी अपर्चर, ये स्मॉल का मतलब ऐसे कम होना चाहिए। चलो भाई आओ बेटा फिर इस पर, जब U जो है ऐसे है और U ऐसे होता चल जाओगा तो M कड़ावेगा P पाओगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस का था मापने M पे तो थोड़ी मापने, कहां था मापने P था मापने, इसलिए जब अपर्चर बेटा U है और U हो गया ऐसे तो इसका मतलब M कहां जाएगा P पे, इसका मतलब है इक्वेशन क्या जाएगा, M को किससे रिप्लेस कर दोगे, यस यू कैन रिप्लेस, अगली इक्वेशन में बेटा आप इसको किससे रिप्लेस कर दो, हो गया। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करो बेटा, म्यू वन इंटू वन बाय व्हाट इज ओपी, अरे भाई वो था पी ऑब्जेक्ट, और कहां यू लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्यों करा माइनस, तो भाई माइनस यू क्या बेटा प्लस वन बाय पी सी, पी सी तो इधर इधर है आर है ना इधर, देखो बेटा ए एक मिनट ए लो ये देखो एक सेकेंड ये देखो बेटा पी का सी और तो इधर है तो क्या था यू आर था प्लस का क्या बेटा प्लस आर इज इक्वल टू बेटा म्यू टू इंटू पी सी वन बाय आर माइनस पी आई, भाई देख पी आई देख रहा बेटा कहा है पी ते आई क्या है इमेज तो वी क्या है बेटा वी, तो दैट इज वी क्योंकि वी तो प्लस कहीं रहेगा राइट में तो प्लस और लेफ्ट में माइनस, बेटा गुणा कर दो क्या आया म्यू वन बाय माइनस यू बेटा प्लस म्यू वन बाय आर बराबर है बेटा म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय बेटा आर वाला एक तरफ ले जो आर है ना यहाँ यहाँ आर है ना तो बड़ा ले जो अरे ना ले आओ इधर, जब आप इन्हें इधर ले आओगे क्या चलेगा प्लस, तो ये क्या है आपका म्यू वन बाय माइनस यू प्लस प्लस हो गया ना म्यू टू बाय वी बराबर म्यू टू बटे आर इधर आ गए माइनस म्यू वन बाय आर एलसीएम सेम है एलसीएम सेम है तो क्या यार म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, इसका मतलब है जब भी रेयर टू डेंस आया तो आपका रिजल्ट आया म्यू वन बटे माइनस यू प्लस म्यू टू बटे वी बराबर है म्यू टू माइनस म्यू वन बटे बेटा ये याद रखना दैट इज द रिजल्ट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस इक्वेशन नंबर ए। अब सुनो ध्यान से शॉर्ट ट्रिक्स न्यूमेरिकल में, शॉर्ट ट्रिक क्या है न्यूमेरिकल के लिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा न्यूमेरिकल के लिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहां तक चले हम रेयर से कहां तक चले, रेयर में कौन उभरा है म्यू वन और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है लेफ्ट, रेयर में तो रखे हैं लेफ्ट है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा जब वो लेफ्ट है तो क्या होगा कहां है गे राइट में मीडियम है, मीडियम है तो म्यू राइट में तो प्लस राइट में बेटा प्लस, और क्या वहां मीडियम है क्या बन गई इमेज, ये प्लस का रियो अरे भाई म्यू टू प्लस है म्यू वन क्या यहां माइनस, तो म्यू टू प्लस आर म्यू वन माइनस आर बटे में रेडियस बस आ गया कहां आए थे रेयर से म्यू वन है, ऑब्जेक्ट कहां होता है रेयर में तो है लेकिन वो लेफ्ट है ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट होता है इसलिए माइनस रख दिया, आ गया हम मीडियम में, मीडियम क्या होता है म्यू टू होता है इमेज मीडियम में बन रही है तो क्या ले लेंगे प्लस क्योंकि राइट है मारे प्लस है क्या यो प्लस वाला है और यो माइनस वाला तो म्यू टू प्लस वाला और म्यू वन माइनस वाला बटे यहां बस क्लियर है, ये किसका बेटा रेयर टू डेंस है।